Hello friends, this is Munmun and you're watching me on my channel Discussing with Munmun. Friends, आज का मेरा वीडियो है उन जवानों के नाम जो शहीद हुए हैं. पहले उन जवानों को मैं नमन करती हूँ सिर झुकाकर और सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ. फ्रेंड्स, दुख जो तकलीफ हम हिंदुस्तानी उन शहीदों के लिए उनके नाम पर जो उनके साथ हुआ, इतने सारे शहीद जो नहीं रहे, बहुत तकलीफ होती है. लेकिन मेरा ये वीडियो, मेरा ये मकसद है, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं जो अपना मन की जो बात है वो बताना चाहती हूँ. वो अगर देश के लिए शहीद होते, मतलब लड़के शहीद होते, तो शायद उनके घरों के लोग, उनकी माँ, उनकी बहनें, उनकी पत्नी और ज़्यादा गर्व महसूस करती. लेकिन ये उनकी जाने यूं ही चली गई. उनकी वो भी अपने, उनका भी आत्मा उनको कचोट रही है कि अगर मैं उन्हें मारकर, उन लोगों, पाकिस्तानियों को मारकर शहीद होता तो ये और गर्व की बात होती. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जान तो यूं ही चली गई. तो यही सबसे दुख वाली बात है. लेकिन ये बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था. हम हिंदुस्तानी, हम यही सोचते हैं कि उन जवानों, उन वो जो बॉर्डर में खड़े रहते हैं, उनके वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, दो वक्त की रोटी खा रहे हैं, सही तरीके से रह रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, हर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने परिवार के साथ. लेकिन वो अपने बच्चों से, अपनी माँ से, बहनों से, अपनी वाइफ से दूर रहकर देश के लड़ते हैं और इसलिए हम प्राउड फील करते हैं. उनके वजह से हम हैं. वो भी अपने परिवार से कितने दूर रहते हैं. हम कोई भी खुशी अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं. आज इतना बड़ा हादसा हुआ, इससे पहले भी हुआ था, अफसोस सबको ही कर रहा, मैं भी कर रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग नहीं सुधरेंगे. और ये जो बार बार उनको लव लेटर भेजा जा रहा है कि ऐसे हो जाइए, वो सुन नहीं रहे हैं, सुनेंगे भी नहीं. इसलिए मैं कोई बड़ा उपदेश या भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि अब तो कोई नहीं रुकेगा. अब इसका जो परिणाम, भयंकर परिणाम, उनको भोगना पड़ेगा, उन लोगों को तो भोगना पड़ेगा क्योंकि वह कायर हैं. हमारे सेना, हमारे जवान कायर नहीं हैं. हम सामने से वार करते हैं, पीछे से वार नहीं करते हैं उनके जैसा. वो पीछे से वार किए हैं, अगर उनमें हिम्मत होती वो सामने से वार करते, लेकिन उन्होंने पीछे से वार किया. तो जैसा किए हैं, जैसी कर्मी वैसी भरनी, जैसा किए हैं वैसा उनका भोगना पड़ेगा. मैं सोचती हूँ कि उनके अंदर, उनके दिल नहीं होता है क्या उनके अंदर? मतलब हर बार उन्हें युद्ध की पड़ी रहती है, लड़ाई की पड़ी रहती है, इतनी जल्दीबाजी है उन लोगों को, कायरों की तरह पीछे वार करते हैं, सामने नहीं कर सकते हैं क्या? जो जवान गए हैं उनके लिए तो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे. लेकिन हमारे सेना कम नहीं है, और भी जवान हैं, छोड़ेंगे नहीं. और मैं भावुक इसलिए हो रही हूँ कि देखिए, कितनों के पति, कितनों के पिता, कितनों के भाई चले गए हैं. जिसको तकलीफ होती है फ्रेंड्स वही समझता है, हम नहीं समझ सकते. हम लोग को थोड़ी से थोड़ी तकलीफ होती है तो कैसे हम लोग के घर में एक उदासी छाई जाती है. उनके घर में से तो उनका बेटा खोया है, पति खोया है, भाई खोया है, उन लोगों ने खोया है. तो बहुत अफसोस के साथ ये कहना ही पड़ रहा है, लेकिन
इसका अंजाम तो लोग भोगेंगे जरूर, उन्हें भुगतना ही होगा। मैं थोड़ा इमोशन हो रही हूँ, बोला भी नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से सबको ये पता चलेगा, हर हिंदुस्तानी में वो जज्बा होगी, हर हिंदुस्तानी का खून खौलेगा। जब कोई देश के लिए वीडियो कर रहा है तो खौलेगा, और शेयर कर रहे हैं आप करेंगे तो एक दूसरे के पास होते हुए तो ये लोग समझेंगे, और कोई तो है, कोई होगा जो इस अंत को देखेगा। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान, डू और डाई। सही में हमारे लीडर्स जो बोल के गए हैं ना, सुभाष चंद्र जी बोल के गए हैं, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज भी हमारे देश में यही हो रहा है, मार काट। लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी, हम अपने आप के गर्व करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू, और फ्रेंड्स बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से मैं कहती हूँ कि मेरे वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।